हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अवर इंग्लिश क्लास. दिस इज़ चैप्टर 7 ऑफ अवर ग्रामर बुक एंड चैप्टर 7 इज़ अबाउट द एडजेक्टिव एंड काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. सो इस चैप्टर में हम एडजेक्टिव को जानेंगे और उसके प्रकार को जानेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं एडजेक्टिव क्या होता है. एडजेक्टिव एक वर्ड ही होता है जो कि नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, या हम कहें कि उसके बारे में कुछ और अधिक जानकारी हमको देता है, उसकी विशेषता बताता है. यहाँ पर एग्जांपल्स जैसे कि लिखे हुए हैं, बिग बॉक्स, बैड एक्सपीरियंस, रेड रोज, सम मिल्क, टू बॉयज एक्सेट्रा. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉक्स, जो बॉक्स है बॉक्स की क्वालिटी क्या है कि बिग है. एक्सपीरियंस कैसा रहा, बैड, ठीक है. रोज़ कैसा है, रेड है. मिल्क कैसा है, सम थोड़ा सा. बॉयज कैसे हैं, टू हैं, ठीक. तो यहाँ पर ये जो है क्या है, आपके एडजेक्टिव हैं ये वर्ड. बिग हो गया, बैड हो गया, रेड हो गया, ठीक. दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव. क्यों? क्योंकि ये दिए गए नाउन की विशेषता बता रहे हैं, ठीक. अब एडजेक्टिव के प्रकार कितने टाइप्स के होते हैं. तो सबसे पहला यदि हम बात करें तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या करता है, ये किसी भी नाउन की क्या करता है, क्वालिटी बताता है, या काइंड या फिर स्टेट बताता है, ठीक. जैसे ओल्ड मैन स्टूड एट द गेट, तो नाउन क्या है यहाँ पर, मैन. मैन की यहाँ पर क्वालिटी क्या बताई जा रही है, ओल्ड मैन है वो, ठीक. तो ये क्या हो गया, क्वालिटी. आई हैव अ ब्लैक डॉग, डॉग की क्वालिटी क्या है, विशेषता क्या है, ब्लैक है वो, ठीक. जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है वो किस क्वेश्चन का आंसर देता है, व्हाट काइंड ऑफ, मतलब कोई भी चीज़ किस प्रकार की है, इस बात का जो आंसर है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है. जैसे ओल्ड मैन स्टूड एट द गेट, है ना. व्हाट, विच मैन स्टूड एट द गेट, तो क्या हो जाएगा, ओल्ड मैन, ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिससे क्वांटिटी का पता चले, अर्थात मात्रा का पता चले, ठीक. जैसे देयर इज अ लिटिल वाटर इन द जग, वाटर कितना है, लिटिल, थोड़ा सा. द मैन हैज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, मतलब पूरी संपत्ति उसने खो दी. तो यहाँ पर जो है क्वांटिटी, मात्रा का बोध होता है यहाँ पर, नाउन या प्रोनाउन की मात्रा बताता है वो, तो उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किस क्वेश्चन का जवाब देता है, हाउ मच, ठीक है. जैसे हाउ मच वाटर वॉज इन द जग, देयर वॉज लिटिल वाटर इन द जग. हाउ मच वेल्थ हैज़ बिन लॉस्ट, तो ऑल हिज वेल्थ हैज़ बिन लॉस्ट. इस टाइप से एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के एग्जाम्पल्स हैं. देन है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स. नंबर्स मतलब संख्या का, जिससे पता चले. जैसे द फर्स्ट लेसन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेसन के आगे फर्स्ट लगा हुआ है, ये क्या एडजेक्टिव ऑफ नंबर. यू हैव मेड मैनी मिस्टेक, मिस्टेक्स के पहले मैनी, तो मैनी मतलब बहुत सारी मिस्टेक्स, ठीक है. तो ये जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया, और ये किस बात का आंसर देता है, हाउ मैनी. नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब दिस दैट, ये सभी चीज़ें जो होती हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव पॉइंट आउट करता है, ठीक. पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग आर मेड, तो इसमें भी डेफिनेट एडजेक्टिव होते हैं, और मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव के दो कैटेगरी हैं, डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एंड इनडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है. तो डेफिनेट में कौन कौन से हो जाते हैं, दिस दैट दीज दोस, राइट. और इनडेफिनिट में कौन से हो जाते हैं, एनी, सर्टेन, सम, अदर, एट्सेट्रा. डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव देखते हैं, दिस बॉय इज अ गुड प्लेयर ऑफ हॉकी. बॉय के पहले लगाया गया दिस, है ना. फिर दैट लिटिल बॉय इज नॉटी. तो ये दोनों क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस और दैट, ठीक. इसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो कि डिनोट करते हैं ईच वन ऑफ नंबर, ठीक है. वर्ड्स लाइक, जिनमें ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर, ये सब जो वर्ड यूज होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं, ठीक. जैसे ईच बॉय विल गेट हिज शेयर, एवरी गर्ल कैन सिंग वेल, ये सभी क्या हो जाएंगे आपके, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, राइट. फिर है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. क्वेश्चन वर्ड आगे आ रहा है नाउन के पहले, तो वो क्या हो जाएगा आपका, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. जैसे व्हाट कलर इज योर न्यू बैग, हुज पेन इज दिस, ठीक. जो व्हाट और हुज, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स. इसके बाद नेक्स्ट है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव. पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था. पजेसिव एडजेक्टिव मतलब कोई भी चीज़ जिससे पता चले कि जो दी गई नाउन है वो किसको बिलोंग करती है. तो माय ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है. माय यहाँ पर क्या हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव, पोजीशन बता रहा है. माय मतलब मेरा. योर न्यू ड्रेस, ठीक है. ड्रेस किसकी है, योर.
तो यहाँ पर योर क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव, योर और माई। फिर है प्रॉपर एडजेक्टिव, तो प्रॉपर एडजेक्टिव क्या करता है, इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या करता है, प्रॉपर नाउन से बनता है जनरली नेम्स ऑफ कंट्रीज। जनरली क्या होते हैं, नेम्स ऑफ कंट्रीज, जैसे इंडियन सोल्जर्स, तो सोल्जर कौन से सोल्जर, इंडियन सोल्जर, जापानीज पीपल, ठीक। तो ये क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव, क्योंकि प्रॉपर वर्ड है वो, प्रॉपर किसी एक कंट्री के आदमी की बात की जा रही, लोगों की बात कर रही है, इंडियन और जापानीज, ठीक। इसके बाद है पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव, ये जान लेना बहुत ज़रूरी है, एडजेक्टिव कहाँ कहाँ लगाया जाता है, ठीक। तो मोस्ट एडजेक्टिव कैन बी यूज बोथ एट्रीब्यूटिवली एंड प्रेडिकेटिवली। ज़्यादातर जो एडजेक्टिव है वो पहले और बाद, मतलब आगे और पीछे नाउन के पहले और बाद में भी लगाए जा सकते हैं दोनों। जैसे आपका हो गया व्हेन एन एडजेक्टिव प्लेस इमीडिएटली बिफोर द नाउन विच इट क्वालिफाइज इज कॉल्ड एट्रीब्यूटिव। जब वो जस्ट नाउन के पहले यूज होता है तो उसे हम एट्रीब्यूटिव कहते हैं, ठीक है। और जब वो जो एडजेक्टिव है वो प्रेडिकेट, हमारे सेंटेंस प्रेडिकेट को पार्ट होता है और सब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है, तो उस केस में प्रेडिकेटिव कहते हैं। एट्रीब्यूटिव यूज जो है देख सकते हैं, रोशन सिंह इज़ अ ब्रेव मैन, तो यहाँ पर किस चीज़ की विशेषता बताई जा रही, मैन की विशेषता, ब्रेव मैन, तो नाउन है मैन, उसके पहले ब्रेव लिखा हुआ है। इसी तरह सेकेंड में क्या है आपका, हाउस लिखा हुआ है, ठीक है, हाउस के पहले क्या लिखा हुआ, स्मॉल हाउस, स्मॉल लिखा हुआ, तो स्मॉल जो है कौन सा हो जाएगा, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, राइट। इनमें नाउन के जस्ट पहले लिखा हुआ एडजेक्टिव वर्ड। प्रेडिकेटिव में क्या है, नाउन पहले लिखी हुई है, रोशन, रोशन सिंह इज ब्रेव, रोशन सिंह की बात हो रही है, क्यों, ब्रेव है वो, किसका पार्ट है, प्रेडिकेट का पार्ट है ना। इसी तरह द हाउस इज स्मॉल, तो प्रेडिकेटिव यूज हो गया ये आपका। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स फ्रॉम नाउन्स, नाउन से हम एडजेक्टिव्स कैसे बनाते हैं, तो ये कुछ टेबल दी हुई है, इससे आप देख सकते हैं, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे विजडम है नाउन, तो विजडम से क्या बनता है, वाइज। विड्थ का क्या बनेगा, वाइड। पार्डन का क्या बनेगा, पार्डनेबल। मैन का क्या होगा, मैनली। प्रूडेंस का प्रूडेंट, होप का होपफुल। एप्रिसिएशन का एप्रिशिएबल। गोल्ड का गोल्डन। डर्ट का डर्टी। फूल का फूलिश। अट्रैक्शन का अट्रैक्टिव। सेंस का सेंसिबल। ऑनेस्टी का ऑनेस्ट। एडवेंचर का एडवेंचरस। कैपेबिलिटी का कैपेबल। पावर्टी का पुअर। वर्च्यू का वर्च्यूस। ब्रेवरी का ब्रेव। क्रिएशन का क्रिएटिव। अटेंशन का अटेंटिव। सेटिस्फैक्शन का सेटिस्फैक्ट्री। सिल्वर का सिल्वरी। करेज का करेजियस। कॉमेडी का कॉमिक। लेंथ का लॉन्ग। वेल्थ का वेल्दी, ठीक है। ये कुछ लिस्ट थी आपकी, इनको आप जो है जस्ट लर्न दें, इनको आप याद कर लीजिए। इसके बाद हम आते हैं लेट्स प्रैक्टिस पेज में, तो यहाँ पर हम देखेंगे पहला क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। एन एडजेक्टिव ऑफ शोज हाउ मच, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। इसके बाद है आपका एडजेक्टिव पॉइंट्स आउट, पॉइंट आउट कौन सा करता है, डेमोंस्ट्रेटिव, ठीक है। उसके बाद है आपका, इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ तो आपको बेटर भी आएगा समझ में, ठीक। इसके बाद है एडजेक्टिव फॉर्म फ्रॉम प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर से कौन सा बनता है, प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक, ये आपका हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स बताना है इसमें हमें, तो ट्रू फॉल्स में क्या हो जाएगा, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव डिस्क्राइब द क्वालिटी, ये क्या है आपका, गलत हो जाएगा, क्वालिटी नहीं बताता है, पॉइंट आउट करता है, ठीक। एडजेक्टिव कैन बी यूज बोथ एट्रीब्यूटिवली एंड प्रेडिकेटिवली, ये जो है आपका सही हो जाएगा। एन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव इज यूज विथ नाउन टू आस्क क्वेश्चन, सही हो जाएगा। फिर एडजेक्टिव कैन बी फॉर्म फ्रॉम नाउन्स, ये भी आपका सही हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव डिनोट ईच वन ऑफ नंबर, ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्या करना है, इसमें पिक आउट द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से टू विच क्लास ऑफ देम बिलोंग्स।
उसने बताना है उनका क्लास, मतलब टाइप ही बताना है। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। इसके बाद द लेजी बॉय, ये भी क्या हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, अकबर वॉज अ ग्रेट मुगल एम्परर, ये भी क्या हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, फिर दिस इज अ बिग हाउस विथ एरी रूम, तो यहाँ पर देखिए जो बिग है, सबसे पहले तो बिग और एरी दोनों ही क्या है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ही है। द स्काई इज क्लाउडी टुडे, राइप मैंगोज आर जूसी एंड स्वीट्स, सभी तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। जस्ट अ मिनट, एक बार चेक कर लेते हैं। तो पहले वाले में आपको क्या हो जाएगा फेथफुल हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। दूसरे में क्या है लेजी, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा आपको क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। तीसरे में क्या है ग्रेट, ये भी क्या हो जाएगा क्वालिटी हो जाएगा। तीसरे में क्या हो जाएगा दिस इज अ बिग हाउस, ये भी आपका क्वालिटी, ठीक है। चौथे में शी लिव्ड अ हैप्पी लाइफ, तो हैप्पी ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फिर द स्काई इज क्लाउडी, ये भी सेम ही हो जाएगा, ठीक है। राइप मैंगोज, ये भी हो जाएगा सेम, ठीक, सभी में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ही है, क्लाउडी राइप, ठीक। तो इनमें आपको क्वालिटी ही भर देनी है। ये भी क्वालिटी लिख दीजिए, इसमें क्लाउडी हो जाएगा और इसमें राइट हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट है, सप्लाई एडजेक्टिव्स अपोजिट इन मीनिंग टू द फॉलोइंग एडजेक्टिव, इनके अपोजिट हमें लिखने हैं, ठीक है। तो विनिंग का क्या हो जाएगा, डिफीटिंग, डिफीटेड, ठीक है। एक्साइटिंग का क्या हो जाएगा, बोरिंग कर देते हैं, ठीक है। इजी का क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट, स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा वीक, हैवी का क्या हो जाएगा लाइट, लॉन्ग का क्या हो जाएगा शॉर्ट, हेट का क्या हो जाएगा लव, अगली का क्या हो जाएगा ब्यूटीफुल, ठीक है। मेरी का क्या हो जाएगा सैड, लार्ज का क्या हो जाएगा स्मॉल,
ठीक है, ये चीज़ें आपको देखनी है। इसका सप्लाई सुटेबल एडजेक्टिव टू द फॉलोइंग नाउंस, इसमें एडजेक्टिव हमें करने हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट मर्चेंट कर दिया अपन ने, गुड डॉक्टर कर दिया। ठीक है, बैड बैंडिट हो गया, यहाँ पर भी इसको ऑनेस्ट कर दिया। ठीक, लायन, तो वाइट लायन कर दिया अपन ने। ठीक है, बॉय का यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको भी कर देते हैं गुड बॉय। सिटी का क्या हो जाएगा, लार्ज सिटी, बिग कर देते हैं, बिग सिटी। ठीक है, माउंटेन का क्या हो जाएगा, हाई। हस्बैंड का क्या हो जाएगा, लवली हस्बैंड कर देते हैं। चाइल्ड का क्या हो जाएगा, क्यूट चाइल्ड कर देते हैं। ठीक है, ये आपके कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, चाइल्ड में लवली चाइल्ड भी कर सकते हैं। इसी के साथ आपका जो चैप्टर है यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पर बात करेंगे। ठीक है, इनको आप अपने बुक में फिल कर लीजिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ ग्रेट डे।